हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन लेग पीस मसाला की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरी कोशिश होती है कि मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की हैं जिनको डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चिकन लेग पीस मसाला की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन लेग पीस लेंगे। ये 10 चिकन लेग पीस लेकर इनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया है। अब चिकन लेग पीस को मैरिनेट करने के लिए हम एक बाउल में डालेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और दही हम 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें। और अच्छी तरह से इन सब मसालों को चिकन के साथ हम मिक्स करेंगे। और ये यहाँ पर मैं चिकन में कट लगाऊंगी। आप मसाला डालने से पहले इसमें कट लगा लें। मैं चिकन में कट लगाना भूल गई थी। कट लगाने से क्या होता है कि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से चला जाता है, तो आप पहले ज़रूर लगा लीजिएगा। और अब हम कवर करके 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे। आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब हम चिकन लेग पीस मसाला की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो ये हैं। हमें दही चाहिए होगी, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इनको बारीक काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने बारीक काट लिया है, और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये साबुत गरम मसाला है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, 3 पीस दालचीनी के और 7 पीस लौंग के, 2 बड़ी इलायची के पीस हैं इसमें, और हमें 10 पीस काजू के चाहिए होंगे और 6 पीस हम बादाम के लेंगे। और ये सब धनिया चाहिए होगा और 4 पीस हम सब्ज मिर्च के लेंगे। और अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, 5 टेबलस्पून ऑयल पैन में डालेंगे और फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। अब हम मैरिनेट किए हुए चिकन लेग पीस को पैन में रख देंगे। एक एक करके सारे लेग पीस को इसमें रख देंगे और इसको फ्राई करेंगे। और दूसरी साइड पर चिकन लेग पीस को हम रख देंगे। इस साइड पर हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। और अब हम दूसरे पैन में 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फ्लेम को हमने ऑन कर लिया पहले से। और अब साबुत जीरा ऑयल में डालेंगे और साबुत गरम मसाला डालेंगे और ये यहाँ पर हमारे चिकन लेग पीस एक साइड से फ्राई हो गए हैं। इनको हमने दूसरी साइड पे रख दिया था, तो ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर इसको दोबारा से रख देंगे। और अब ज़ीरा और गरम मसाला को थोड़ा फ्राई करेंगे। ज़ीरा और गरम मसाला थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को फ्राई करेंगे।
हल्का सा कलर प्याजों का चेंज होने पर हम इसमें लहसुन पेस्ट डाल देंगे। और अब हम इसमें अदरक पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर डालेंगे और ब्लैक पेपर इसमें डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा पपरिका पाउडर और अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर और अब इसमें हम डाल देंगे सुर्ख मिर्च पाउडर। और अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे। इससे टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे और सारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। और हम इसको ढक देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। और अब हम 2 टेबलस्पून दही मसाले में ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे। अब सब्ज़ मिर्च डाल देंगे इसमें, मिक्स करेंगे। अब हम काजू और बादाम को ग्राइंड करके मसाले में डाल देंगे। काजू और बादाम को मैंने 1 चम्मच दही डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है ग्रेवी का। और अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। और अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कैसा है मसाला। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और दूसरी साइड पर हमारे फ्राइड चिकन लेग पीस बिल्कुल रेडी हैं। अब हम फ्राई किए हुए चिकन लेग पीस मसाले में डाल देंगे और सारे लेग पीस एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लेग पीस को हमने फ्राई किया था तो इसको मिक्स करने से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अब हम 1 कप पानी चिकन में डालेंगे ताकि हमारा चिकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। चिकन लेग पीस मसाला को पकते हुए 10 मिनट हो गए। अब हम इसको चेक करते हैं। चिकन लेग पीस मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। मसाला चिकन अच्छे से भुन गया है हमारा। और अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर को कोशिश करें एंड में डालें। और अब हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे। चिकन लेग पीस मसाला बिल्कुल रेडी है। अब चिकन लेग पीस मसाला को हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायके में डिफरेंट चिकन लेग पीस मसाला रेडी है। आप इसको रोटी, नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको चिकन लेग पीस मसाला की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Take care. Bye-bye. Allah Hafiz.